हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। और वुमेन्स प्रीमियर लीग के मैच का जो आगाज़ चल रहा है, मैच स्टार्ट होने के समय का, लाइनअप आने के समय का इंतज़ार हो रहा होगा कि भाई कब लाइनअप आएगा, कब कब 7:30 बजे और कब टीम लगाएंगे। तो भाई सारी चीज़ों को जानना पड़ेगा। अगर टीम लगाते हैं तो ड्रीम इलेवन के गाइडलाइंस को भी जानना पड़ेगा। तो ड्रीम इलेवन की गाइडलाइन को लेकर के कुछ नया अप टू डेट आया है। उस गाइडलाइन को बताने के लिए मैं आज आप सबों के बीच आया हूँ कि भाई अभी तक ड्रीम इलेवन जब से चल रही थी तो इसे जो दर्जा दिया गया था एक लीगल गेम का, तो आज भी ये दर्जा बरकरार है। स्किल का खेल है ड्रीम इलेवन और आज भी इंडियन गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है। लेकिन ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कुछ नए रूल्स को लागू किए गए हैं। तो ये रूल्स क्या है, उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ लाइक कर दे और बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि हमारी जितने भी वीडियोस आती है सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिल सके। तो बात कर रहे थे कि ड्रीम इलेवन ने क्या कुछ नया अपडेट लाया है। तो मैं बता दूं कि अभी भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, रिसेंट में निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर अभी जो है निर्मला सीतारमण है। और इनके ही अवधि में एक नया अपडेट लाया गया है, एक नई रूल्स लाई गई है ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कि भाई क्या वो अपडेट है। तो नया जो रूल्स लाया गया है, अभी तक ड्रीम इलेवन पे क्या कुछ था कि जब आप 10,000 रुपए से ज्यादा विन करते हैं, तो आपको ड्रीम इलेवन पे 30% टैक्स देना पड़ता था, जो कि टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को जाती थी। मतलब इंडियन गवर्नमेंट को आपका 30% टैक्स जाता था, वो भी 10,000+ जीतने पे। तो अब जो नया नियम आया है ना, उस पर इस वाले सर्कुलर्स को खत्म कर दिया गया है 10,000 वाले की, 10,000 को जीत करके आप 30% टैक्स देंगे। और कुछ नए नियम्स को लगाया गया है, मतलब इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, डी खत्म कर दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको टैक्स नहीं लगा है, सिर्फ इसको खत्म किया गया है। इसको खत्म करने के बाद कुछ नए गाइडलाइन को लाया गया है जिसके तहत आपको टैक्स पे करना होगा। तो टैक्स पे क्या है, क्या 10,000 से ऊपर जीतने के बाद आपको टैक्स देना है, या 10,000 के नीचे भी जीतने के बाद आपको टैक्स देना है, या फिर टैक्स देना ही नहीं है, सारी चीजें हैं। ड्रीम इलेवन पे जब लोग टीम लगाते थे तो 49 का टीम लगाते थे, 59 का टीम लगाते थे, 29 का टीम लगाते थे, 39 का और 35 का। ये मेगा लीग का एंट्री अमाउंट है। और जब इस लीग में लगाते थे ना, तो हमारा शौक हमेशा रहता था कि भाई हमारा जो आज रैंक है ना, 1 आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए 4 आ जाए 5 6 एक्स्ट्रा करके अंडर 10,000 भी अगर आ जाए, तो जितना हमने एंट्री अमाउंट लगाया है उससे कहीं ज़्यादा आएगा। और 10,000 क्या, 2 लाख तक भी अगर आता है तो भाई एंट्री अमाउंट का डबल होते दिखता है। तो भाई 2 लाख तक का रैंक में अगर आप आते हैं तो डेफिनेटली है कि आपने जो कॉन्टेस्ट लगाया है इससे अधिक जीतेंगे। और अगर और कॉन्टेस्ट में नीचे आते हैं, रैंक आपका ऊपर आता है, जैसे 1 2 3 मतलब जितना भी देख ले, जहां पे एंट्री अमाउंट से ज्यादा आपको विनिंग हो रही है। तो पहले क्या नियम था कि आप 10K से नीचे जीतते थे, चाहे वो 5,000 हो चाहे 10,000 ही हो, यहाँ टैक्स आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब जो नियम नया लगा है, उस नियम के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पे ये घोषणा कर दी है कि आप चाहे 10,000 जीते या 10 रुपए, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स देना ही पड़ेगा। टैक्स कैसे देना है, मान लिया जाए कि आपने 49 रुपए की एंट्री से ज्वाइन किया, और 49 रुपए की एंट्री से अगर कोई टीम है जिसमें आपने सिर्फ 49 ही जीता, तो आपका एंट्री अमाउंट रिटर्न हो गया।
लेकिन कोई टीम आपका ऐसा भी है जहां आपने 49 लगाया और 49 के जगह 60 जीत लिया, 100 जीत लिया, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो आपने जीता कितना, मान लीजिए 60 जीता, तो 60 में से 49 को माइनस कर दीजिए, 60 में से 49 माइनस करते तो 11 रुपये आपका प्रॉफिट हो रहा है, PROFIT। तो जो ये 11 रुपये प्रॉफिट हो रहा है ना, इसका भी अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, और ये जो टैक्स है ना आपको एक APRIL से लागू हो जाएगा, ड्रीम इलेवन पे आपको ये पे करना ही पड़ेगा, और ये पे करने के लिए आपको पे नहीं करना है, आप जो जीतेंगे ना वहीं से आपका टैक्स कट जाएगा, और वो टैक्स कितना कटने वाला है, तो वो जो टैक्स कटने वाला है ना भाई, इस 11 रुपए का जो आपका नेट प्रॉफिट है उसका भी 30% टैक्स कटने वाला है, तो 11 रुपए का 30% अगर देखा जाए तो 3 रुपया 30 पैसा के आसपास आपका टैक्स कटेगा, टैक्स 3 रुपया 30 पैसा के आसपास आपको टैक्स कट जाएगा, मतलब आप एंट्री अमाउंट से जितना ज्यादा जीतते हैं उसका हर विनिंग पे आपको टैक्स देना है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा, मतलब अभी मार्च का महीना है और आज जो डेट है आज 14 तारीख है और आने वाले 1 तारीख से ये वाला टैक्स आपको भरना पड़ जाएगा विनिंग अमाउंट का। अब एक चीज और भी है कि जब टैक्स देना ही है तो एक गाइडलाइन है आपके मन में कहीं ना कहीं उठ रहा होगा कि 7 लाख रुपए तक अगर इनकम होता है तो कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, तो दोनों की क्राइटेरिया अलग अलग है, क्या क्राइटेरिया है उसको भी देख लेते हैं। तो टैक्स की क्या क्राइटेरिया है, कहा जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट को अगर आप 7 लाख रुपए तक 7 लाख तक कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना है, लेकिन ये आप मेहनत से कमाते हैं और ड्रीम इलेवन जो है ड्रीम इलेवन ये स्पोर्ट्स फैंटेसी जोन में आता है, और स्पोर्ट्स फैंटेसी जोन में जितने भी चाहे वो ड्रीम इलेवन हो, सर्किल इलेवन हो, विजन इलेवन हो, बैटबॉल इलेवन हो, या फिर जितने भी एप्लीकेशन है, सिर्फ ड्रीम इलेवन ही नहीं सारे एप्लीकेशन पे आपको प्रॉफिट का 30% टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे वो जिस तरह से दे। तो 7 लाख रुपए तक अगर आप कहीं और से कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन अगर आप विजन इलेवन से या फिर किसी अन्य एप्लीकेशन से या फिर ड्रीम इलेवन से कमाते हैं तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्किल का गेम है और इस पर ऐसा नियम लगा दिया गया है कि आपको वन टाइम आपको ये पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे एनी हाउ आप जीत रहे हैं, अगर आप 1 करोड़ जीतते हैं तो आप 30% देते हैं, मतलब 30 लाख टैक्स देते हैं, 70 लाख आपका होता है, तो आप हर विनिंग का आपसे आपसे 30% देने के लिए तैयार हो जाइए। ये नया नियम है और ये ख़त्म नहीं होने वाला है, 1 अप्रैल 2023 से ये नियम लागू होने वाला है और होगा ही, चाहे एनी हाउ। आप बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी और क्या ये जानकारी सही है, क्या भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया है ड्रीम इलेवन फैंटेसी एप्लीकेशन से रिलेटेड टैक्स का नया रूल्स, कि आप 10 रुपये जीतिए चाहे 10,000 जीतिए आपका जो प्रॉफिट होगा उसका 30% देना है, वो जायज़ है या नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि इस बात को आगे तक पहुंचाया जाए कि क्या ये सही है 30% वाला नियम या फिर नहीं। बाकी दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा टेलीग्राम भी है जहाँ पे सारी जानकारियाँ ड्रीम इलेवन से रिलेटेड या फिर अनफैंटेसी एप्लीकेशन से रिलेटेड साझा की जाती है, जिसका कि लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे एक बेटर टीम पा सकते हैं, साथ ही साथ प्लेयर से रिलेटेड हर जानकारी पा सकते हैं, वेन्यू रिकॉर्ड्स पा सकते हैं, मतलब फैंटेसी से रिलेटेड, फैंटेसी की दुनिया से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ वो सारा कुछ पा सकते हैं और एक बेटर टीम बना करके अच्छा खासा जीत सकते हैं। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।